आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में कहा गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए मोटरसाइकिल मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड वी नॉट इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ लेंथ। ये दिया है लेंथ इक्वल टू पाई इंटू आर अपॉन थ्री एंड रेडियस आर दिया है। ठीक है, हमें मोटरसाइकिल को एज ए पार्टिकल ट्रीट करना है। ठीक है, तो ये दिया है, मान लेते हैं ये सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और इसका ये लेंथ दिया है एल इक्वल टू दिया है पाई आर अपॉन थ्री। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये इसका रेडियस हो गया, तो ये मान लेते हैं हम ये थीटा एंगल ये कवर किया इसको यहाँ से यहाँ आने में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कुछ वेलोसिटी वी वन होगा, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी वी टू होगा। ठीक है, और ये जो है इसका वी वन का अगर मैग्नीट्यूड बात करें, मैग्नीट्यूड वी वन और वी टू का दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, और ये दिया है वी नॉट, क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड वी नॉट से मूव कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बट दोनों का अगर वेक्टर वाइज देखें तो दोनों ही वेलोसिटी अलग अलग है। ठीक है, तो अगर हमें कोई चेंज निकालना होता है, जैसे पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, तो ये क्या होता है, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, इसको हम रिजल्टेंट बोलते हैं एज अ। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये एडिशन ऑफ वेक्टर होता है। सिमिलरली अगर क्यू इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस क्यू वेक्टर होगा, तो यहाँ पे अगर इसको पुट कर देंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा चेंज इन वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा ये भी रिजल्टेंट ही होता है जो कि सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ से आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो इसमें भी हमें वी वन और वी टू वेक्टर का हमें चेंज निकालना है। ठीक है, तो वी टू वेक्टर माइनस वी वन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर माइनस टू वी वन इंटू वी टू इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हम थीटा देख लेते हैं, ये कितने एंगल ये कवर्ड किया है इतने में। ठीक है, तो हमें पता है कि जब ये सर्कुलर पाथ होता है, जिसका रेडियस आर, ठीक है, तो हमें 2 पाई आर लेंथ कवर करने के लिए 360 डिग्री कवर करना होता है। ठीक है, तो वन लेंथ के लिए कितना करना पड़ेगा, 360 डिग्री अपन 2 पाई आर। ठीक है, और इसने कितना किया है, ये किया है एल इक्वल टू पाई आर अपन थ्री, तो यहाँ से हमें निकालेंगे पाई आर अपन थ्री कवर करने के लिए इसे कितना थीटा चलना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा 360 डिग्री इंटू पाई आर अपन थ्री डिवाइड बटे 2 पाई आर, और ये हमारा क्या होगा, ये इतना थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू आ गया 360 डिग्री इंटू पाई आर बाई थ्री इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ से अब थीटा निकाल लेते हैं, थीटा इक्वल टू आ जाएगा पाई आर से पाई आर कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 360 डिग्री बाई 6, तो यहाँ से आ गया 60 डिग्री, तो हमें थीटा का वैल्यू निकल गया 60 डिग्री। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम वन मान लेते हैं। ठीक है, यही हमें निकालना है, तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, यह है हमें दिया है वी वन का स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर माइनस टू वी वन इंटू वी टू इंटू कॉस थीटा, वैल्यू निकल चुका है यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें वी वन वेक्टर इक्वल्स टू वी टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें पता है, क्वेश्चन में दिया है ये वी नॉट। ठीक है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहाँ से वी वन रख दे रहे हैं, वी वन वी टू का मैग्नीट्यूड वी नॉट, यहाँ से आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर माइनस टू वी नॉट स्क्वायर, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना था, 1/2। ठीक है, तो यहाँ से आ गया वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, एक वी नॉट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा जो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आ गया, ये वी नॉट के बराबर ही आ गया। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में यही निकालना था कि चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिल, तो यहाँ से हम ऑप्शन देख लेते हैं, जो हमारा ऑप्शन होगा ये फोर्थ ऑप्शन सही है, डेल्टा वी नॉट, डेल्टा वी इक्वल टू वी नॉट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।